बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन अकेडमी। आई होप कि आप तमाम तर स्टूडेंट खुश और खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप तमाम तर व्यूवर्स तमाम तर स्टूडेंट खुश और खैरियत से रहें। तो जी हाँ, बिल्कुल आज की लेटेस्ट अपडेट में आपको बता चलें कि तलीमी अदारों को फिर से वापस बंद करने के हवाले से बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा फैसला। ये वीडियो आप तमाम तर व्यूवर्स तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशली बनाई गई है। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है विदाउट स्किप किए। तो खैर, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले तमाम तर व्यूवर्स तमाम तर स्टूडेंट वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और चैनल ब्रेन एकेडमी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ब्रेन एकेडमी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़ी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट में कोई वीडियो, कोई लेक्चर, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लेटेस्ट अपडेटिंग वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तमाम तर व्यूवर्स तमाम तर स्टूडेंट्स तक ईजिली पहुँच सके। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको बता चले कि हुकूमत ने एक फैसला, एक बयान जो हुकूमत की जानब से आया था और शफकत महमूद और मुराद रास ने भी ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी किया था और अलग अलग से तलीमी अदारों को फिर से बंद भी किया जा रहा था, लेकिन मुराद रास रईस ने प्रीवियस जो है कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया है कि वबा के केसेस इतने ज़्यादा मुस्बित नहीं है, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। तो जी हाँ, बिल्कुल सबसे पहले आपके सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ का नोटिफिकेशन शेयर किया जा रहा है जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। इस फैसलाबाद गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर जनाह टाउन से एक टीचर और तीन स्पेशल बच्चों के कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आ चुके हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल अभी हुकूमत को चाहिए, यही चाहिए कि एक दफ़ा फिर से जो है बच्चों के वबा के जो केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं बच्चों को दोबारा से चेक किया जाए और जहां पर ये केसेस हैं और हुकूमत ने वाज़े ये अनाउंसमेंट कर दी है कि जहां पर वबा के केसेस मुस्बित आएंगे वहां पर हम तलीमी अदारों को उस अदारे को बंद कर देंगे और जहां पर एसओपी के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा तो उस अदारे को भी हम बंद कर देंगे। तो जैसे जैसे जिस जिस अदारे में एसओपी का अमल नहीं हो रहा, जहाँ पे भी वबा के केसेस मुस्बित आ रहे हैं उन तलीमी अदारों को बंद कर दिया जा रहा है और उन्हें कर दिया गया है। बाकी आप स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि एक ही दफ़ा तलीमी अदारों को बंद कर देना चाहिए कुछ दिनों के लिए? और अलग अलग से अपडेट ये भी आ रही है कि तलीमी अदारों को नवंबर तक जो है इन्हें बंद कर देना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि जनवरी तक इन्हें एक दफ़ा फिर से बंद कर देना चाहिए। बाकी आप क्या चाहते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि तलीमी अदारों के हवाले से आप क्या चाहते हैं, तलीमी अदारे बंद होने चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अजीज तलबा, ये थी आज की करंट अपडेट जो मैंने आपको एक वॉइस मैसेज के जरिए दे दी। तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आगे अपनी बहनों भाइयों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो खैर, अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।